हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं अभी देवभूमि उत्तराखंड अपने गांव में। और माफ़ करना, मेरी सांस थोड़ा सा फूल गई है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कुकिंग करने गांव से थोड़ा सा दूर। आप देख सकते हैं पीछे, ये हमारा गांव है, सुंदर सा गांव। और आज मैंने प्लान बनाया है कि हम कुकिंग करेंगे थोड़ा सा गांव से दूर और बाहर। आपको पता ही है कि बाहर कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ी चारों तरफ। मैं काफ़ी टाइम से चढ़ाई चढ़ रहा हूँ और अभी हमें जाना है और ऊपर। मैं दिखाता हूँ रास्ता यहाँ का, किस रास्ते से जा रहे हैं हम। तो गाइस, अभी मैं काफ़ी हाइट में हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है भाल गांव, काफ़ी सुंदर गांव है। और ये रोड जो जा रही है सीधे, ये जा रही है सावली के लिए, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आवली जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, माफ़ करना, मैं आपको बाद में दिखाऊँगा प्रॉपर। तो गाइस, आप देख सकते हैं पीछे, मेरे पीछे ये है हमारा गांव, छोटा सा गांव, काफ़ी सुंदर गांव। और माफ़ करना, मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ फ्रंट कैमरे से। एनीवे, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल में। और अब मैं दिखाता हूं आपको कि हम क्या क्या करेंगे यहां पे। सबसे पहले तो हमको यहां पे लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे गैस की सुविधा नहीं है, हम घर से बाहर हैं जैसा कि आपको पता है। तो सबसे पहले हम लकड़ियां इकट्ठी करेंगे। लकड़ियाँ हमने काफ़ी इकट्ठी कर ली है और अब हम बनाते हैं चूल्हा। चूल्हा बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है विपिन सिंह, ये बना रहे हैं चूल्हा। सो आप कुछ बोलना चाहेंगे सर, कितनी मेहनत लगेगी आपको चूल्हा बनाने में? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट। किस प्रकार का चूल्हा बना रहे हो आप? ये गाँव की स्टाइल में, ये गाँव की स्टाइल में चूल्हा बना रहे हैं। अभी देखते हैं कैसा चूल्हा बनाते हैं ये। Thank you.
सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं चूल्हा इन्होंने एकदम रेडी कर दिया है और अब तैयारी करते हैं आग जलाने की। आग हमको जलानी है बड़ी केयरफुली, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ड्राई एरिया है। तो सबसे पहले हम जलाएंगे आग यहाँ पे डालेंगे लकड़ियाँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज हम कुकिंग करेंगे मिट्टी के बर्तन में, और मिट्टी के बर्तन में काफ़ी अच्छी कुकिंग होती है, तो आज ट्राई करते हैं हम। तो चलो शुरू करते हैं। सो, आप देख सकते हैं मैंने मटका रख दिया है चूल्हे में और आग भी बड़ी अच्छी जल रही है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गरम हो गया है और अब हम ऐड करेंगे इसमें अनियन। सो गाइस, आप देख सकते हैं अनियन हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें 15 से 20 सेकंड के लिए अनियन के साथ में भुनना है और उसके बाद हम ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद गरम मसाला, चिल्ली पाउडर और हमारे पास यहाँ पे है मीट मसाला। मीट मसाला हम पूरा डालेंगे इस पे। उसके बाद सॉल्ट, इसको हम अनियन के साथ में फ्राई करेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। सो गाइस, मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, और अब हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन हमने हांडी में डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे मसाले के साथ में और इसको कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो और ग्रीन चिली। चिकन को हमने मसालों के साथ में अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं चिकन, और अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले टमाटो। टमाटो को हमने काटा है। और इसके बाद हमारे पास है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से।
चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, ये कुक हो जाएगा। और जब तक ये कुक हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे व्यूज़। सो चिकन हमारा रेडी हो गया, आप देख सकते हैं, और बहुत ही मज़े का चिकन बनाया है। और अब हम इसको डालते हैं प्लेट में और प्लेट में डाल के टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भाई लोग चिकन खा रहे हैं और चिकन का पूरा मज़ा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और चिकन हमने बनाया है पूरा ड्राई स्टाइल में, और जो हमने मटका यूज़ किया है सीरियसली उसमें जो टेस्ट है वो हमारे घर के बर्तन में नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी अगर चिकन बनाते हो तो एक बार मटके में ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं चिकन का कलर, ग्रेवी, और यहाँ पे भाई लोग बड़े प्यार से बड़े चाव से खा रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे चिकन कैसा बना है? चिकन एकदम सुपर बना है, ऐसा हमने आज तक खाया नहीं कभी मटके का चिकन। फर्स्ट टाइम मटके का चिकन खाया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है खा के, बहुत ही मज़ा आ रहा है खा के। सो गाइस, जो सबसे ज़रूरी और लास्ट जो काम है हमारा वो है आग बुझाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम पहले अच्छे से आग बुझा देते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब चलते हैं घर पे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो भी सेम ऐसी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।